मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 22 अक्टूबर 2022 शनिवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज शाम 6:02 के उपरांत त्रयोदशी तिथि भी लागू हो जाएगी। वहीं आपको बता दूं, कई लोगों के मन में यह भी सवाल है कि धनतेरस 22 अक्टूबर को है या 23 अक्टूबर को। तो देखिए, आपको बता दूं, धनतेरस पर खरीदारी आप 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर दोनों ही दिन कर सकते हैं, लेकिन त्रयोदशी तिथि का ध्यान रखते हुए शनिवार को शाम 4:13 के बाद और 23 अक्टूबर को रविवार को शाम 4:45 से पहले ही खरीदारी वगैरह करें। अगर आपको वाहन या लोहे का सामान लेना है या खरीदना है तो आपके लिए रविवार का दिन काफी शुभ रहने वाला है, क्योंकि शनिवार के दिन कई लोग जो है लोहे की चीजें खरीदना शुभ नहीं मानते। दूसरी बड़ी खबर, गहलोत सरकार ने 30,000 से ज्यादा संविदा कर्मियों को दिवाली का गिफ्ट दिया है। इनको नियमित करने का बड़ा फैसला किया है। पंचायत सहायक शिक्षा कर्मी और पैरा टीचर्स को नियमित करने के आदेश जारी हो गए हैं। अब तीनों को ही शुरुआत में 10,400 रुपए का वेतन मिलेगा और जिन संविदा कर्मचारियों को अभी 10,400 से ज्यादा वेतन मिलता है उनका वेतन पहले की तरह मिलता रहेगा और 9 साल की सर्विस पूरा करने पर 18,500 रुपए मिलेंगे और 18 साल की सर्विस पूरी करने पर 32,300 रुपए सैलरी मिलेगी। आसान भाषा में समझाऊं तो प्रदेश के 23,749 ग्राम पंचायत सहायक संविदा पर लगे शिक्षा कर्मियों के तहत 26 वरिष्ठतम शिक्षा कर्मियों, 1764 वरिष्ठ शिक्षा कर्मियों और 2048 सामान्य शिक्षा कर्मियों के साथ 3886 पैरा टीचर्स को इसका लाभ मिलेगा और इस तरह प्रदेश में वर्तमान में कार्यरत कुल 31,473 संविदा कर्मियों को इसका तुरंत फायदा मिल सकेगा। एक और बड़ी खबर, यदि आप जयपुर से दिल्ली जाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही सुकून भरी है। दरअसल राजस्थान रोडवेज ने अपनी सुपर लग्जरी वोल्वो बसों का किराया कम कर दिया है। हालांकि यह सुविधा आपको तत्काल तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन रोडवेज प्रशासन की ओर से जारी सूचना के मुताबिक किराए की नई दरें 1 नवंबर से लागू होगी। ऐसे में यदि अब आप दिल्ली का सफर वोल्वो में तय करेंगे तो इसके लिए पहले की तुलना काफी कम किराया चुकाना होगा। जयपुर दिल्ली मार्ग पर सुपर लग्जरी वोल्वो बस का 1 नवंबर से प्रति यात्री किराया 750 रुपए होगा। पहले यह किराया 900 रुपए प्रति यात्री था, यानी कि अब सीधे 150 रुपए कम कर दिया गया है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने यह बड़ा निर्णय लिया है। एक और बड़ी खबर, दीपावली पर आतिशबाजी को लेकर राजस्थान सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बार भी 2 घंटे ही आतिशबाजी करने का समय मिलेगा। वहीं अलवर और भरतपुर में पटाखों पर पूरी तरीके से बैन रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गृह विभाग ने पिछली बार की ही गाइडलाइन को जारी रखने का फैसला किया है। इस बार भी इको फ्रेंडली ग्रेन फटाके और ग्रेन आतिशबाजी की ही अनुमति होगी। दिवाली पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही ग्रेन आतिशबाजी कर सकेंगे। 31 जिलों में इस बार ग्रेन पटाखे बेचने के ही लाइसेंस दिए गए हैं। गृह विभाग ने सभी कलेक्टर और जयपुर जोधपुर पुलिस कमिश्नर को पटाखों की गाइडलाइन के निर्देश भेजे हैं। गाइडलाइन के अनुसार दीपावली पर 31 जिलों में केवल 2 घंटे ग्रीन आतिशबाजी कर सकेंगे। हालांकि इस फैसले की आलोचना भी हो रही है और जमीनी स्तर पर देखें तो यह गाइडलाइन कागजों पर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। प्रदेश के मौसम पर एक नजर डालें तो अब रात में राजस्थान में सर्दी के तेवर तीखे होने लगे हैं। हालांकि दिन में तेज धूप लोगों को अभी भी परेशान कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 10 दिन प्रदेश में मौसम साफ रह सकता है और रबी की फसल की बुआई के लिए सबसे अनुकूल समय रहेगा। और जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको तूफान को लेकर जानकारी दी थी, उस तूफान ने अब रास्ता बदल लिया है, तो ऐसे में प्रदेश का मौसम लगभग शुष्क रहेगा। एक और बड़ी खबर देखिए, त्योहार के टाइम पर सोने और चांदी खरीदने वाले ज्यादातर ग्राहक मिल जाते हैं और वैसे ही धनतेरस है तो आज और कल तो सबसे ज्यादा सोना और चांदी खरीदा जाएगा। ऐसे में आपको सोने और चांदी के भाव भी जरूर जान लेने चाहिए।
ठाकुर की ओर से जारी भाव के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत घटकर 51,400 रुपए आ गई है और 22 कैरेट, वहीं आपको बता दूं यह 22 कैरेट सोना वह होता है जो आभूषण बनाने में काम में लिया जाता है और 22 कैरेट 10 ग्राम प्रति सोने की कीमत 49,300 रुपए पहुंच गई, यानी कि गहने वगैरह इसी 22 कैरेट सोने के होते हैं और चांदी रिफाइन की कीमत 57,600 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। एक और बड़ी खबर, दीपावली के मौके पर इस बार राजधानी जयपुर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। यह तस्वीरें आप देख लीजिए, जयपुर के चार दीवारी इलाकों के साथ ही बाहरी क्षेत्रों में भी शानदार लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। वहीं MI रोड को हेरिटेज और नेचुरल थीम पर सजाया गया है। पूरे बाजार में 6 स्वागत द्वार बनाए गए हैं जिस पर यूनिक लाइटिंग की गई है। तो यही थी आज की बड़ी खबरें। धनतेरस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे देश और प्रदेश की बड़ी खबरों से। धन्यवाद।